नमस्ते दोस्तों, अस्ट्रोराघो चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और हम आज बता रहे हैं कि बनते काम बिगड़ रहे हैं, संपत्ति हो गई है बर्बाद, तो करें ये अचूक उपाय, आपको बहुत ही लाभ होगा। एक समय था जब आपके पास सब कुछ था और अब सब कुछ चला गया, मतलब आप दूसरों के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं या ज़िंदगी में जो है टेंशन आ गई है, ज़िंदगी गरीबी और मजदूरी बन कर के रह गई है। तो आप जो है अपनी कुंडली को दिखाइए, अपनी कुंडली की इस स्थिति के कारण तो आपकी स्थिति ऐसी नहीं बनी। यदि ये स्थिति है तो आपको हम कुछ उपाय बता रहे हैं, वो उपाय कर लीजिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा, चमत्कारिक लाभ होगा। और ये जो है आप लोग ध्यान दे करके सुन लीजिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको उपाय अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमारे को बताइएगा। और अगर आपको ज्योतिष संबंधी कोई भी परेशानी के बारे में जानकारी चाहिए कि उसका निवारण कैसे करें तो आप जो है हमारे से पूछ सकते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है यदि आपकी कुंडली के ग्रह सही हैं परंतु व्यक्ति अपने कर्मों के कारण भी गरीब और मजबूर हो जाता है। यदि आप किसी तरह के लत का शिकार हैं, जैसे शराब पीते हैं, जुआ खेलने की लत लग गई है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका ध्यान जो है खुद ही कंट्रोल करना होगा। कुछ उपाय हैं वो भी कर सकते हैं पर जो है थोड़ा सा खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे जो है बुरी संगत की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। और लाल किताब के अनुसार शनि राहु केतु मंदे कार्य करने से भी व्यक्ति का जीवन गरीब और संकट में गुजरता है। यदि जो है शनि सातवें भाव में है और उसी में सूरज है, चंद्रमा है, मंगल में से कोई एक ग्रह है या दो तीन ग्रह साथ ही बैठे हैं या पाँचवें सातवें भाव में स्थित हैं तो जातक की ज़िंदगी बर्बाद ही समझो। यदि कोई पुण्य कार्य किए होंगे तो ही उसकी ज़िंदगी सही होगी, नहीं तो ऐसे जो है ग्रह बैठ करके उसको बर्बाद कर देते हैं। अचूक उपाय जो है आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में जो है खुशहाली आएगी। सबसे पहले तो अपने कर्म को सुधारिए, शनि राहु केतु के मंदे कार्य न करें, मतलब 43 दिन तक गुड़ और गेहूँ का दान करिए और उसके बाद अगले 3 वर्ष तक गुड़ और गेहूँ का रविवार को मंदिर में जो है थोड़ा थोड़ा देते रहें, आपके हर संकट टल जाएंगे। यदि शनि जो है सातवें में है, चंद्रमा और मंगल तीसरे भाव में है, पांचवें भाव में है या इकट्ठे हैं, 43 दिन तक हलवे में दूध मिला करके मंदिर में बांटें। अगले 3 वर्ष तक हर मंगलवार को मंदिर में हलवा बांटना चाहिए, इससे जो है आप जो है हर तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। यदि सातवें भाव में शनि विराजमान है और चंद्रमा अकेले तीसरे या पांचवें भाव में स्थित है तो ऐसी अवस्था में चावल दूध मिला करके 43 दिन तक दान करें और इसके अगले 3 वर्ष तक हर सोमवार को मंदिर में दान देने से आपके हर संकट भोलेनाथ काट देंगे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मंगलवार और शनिवार को उसके मंदिर में जा करके चमेली के तेल में दीपक जलाइए और उन्हें जो है हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कीजिए। 3 वर्ष तक ये क्रम जो है जारी रखना चाहिए। आपको थोड़े से दिन करने से ही चमत्कार आपको दिखाई दे जाएगा, पर 3 वर्ष इसलिए बता रहे हैं कि आपके जीवन में फिर बुरा समय नहीं आएगा। 43 दिन में संकट का समाधान आरंभ होना शुरू हो जाता है अगर आप करेंगे और यह जो है कोई भी क्रिया करते हैं, आप कोई भी बताए हुए उपाय करते हैं, श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए, आपको फल मिलेगा। 3 साल में जो है जैसे पहले था वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। आप किसी जो है विशेषज्ञ को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, नहीं तो हमारे को जो है कमेंट बॉक्स में अपनी डेट टाइम भी भेज के पूछ सकते हैं या हमारा व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ करके, तो हम आपको जो है फ्री में आपकी कुंडली आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। माँ लक्ष्मी आप लोगों पर कृपा बनाए रखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।